बिहार में कैबिनेट विस्तार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 16 अगस्त को बिहार में महागठबंधन सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वहीं फॉर्मूला भी फाइनल हो गया है। बिहार में नीतीश कुमार के सीएम और तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम बनने के बाद सभी की निगाहें कैबिनेट विस्तार पर टिकी हैं। बिहार कैबिनेट में किसको जगह मिलेगी, इसको लेकर पटना से दिल्ली तक चर्चा है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी कोटे से सबसे ज्यादा 15 मंत्री शपथ लेंगे। वहीं जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू से 12 मंत्री रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस कोटे से 2 और हम पार्टी से 1 विधायक को बिहार कैबिनेट में जगह मिल सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि बिहार विधानसभा में स्पीकर किस पार्टी से होगा। सूत्रों की माने तो आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी के नाम पर स्पीकर पद के लिए सहमति बन चुकी है। अवध बिहारी चौधरी यादव समाज से आते हैं और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम पहले ही बन चुके हैं। महागठबंधन सरकार में तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी मंत्री बनेंगे। तेज प्रताप पहले भी महागठबंधन सरकार में मंत्री थे। बिहार की कैबिनेट में जिन मंत्रियों का बनना तय माना जा रहा है, उनमें सुधाकर सिंह का भी नाम है, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर चंद्रशेखर का नाम भी महागठबंधन सरकार में मंत्री पद के लिए माना जा रहा है, जो मधेपुरा से यादव समाज से आते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर पहले भी नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। वहीं सीमांचल से तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज का नाम सामने आया है, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से आरजेडी में आए हैं। इसके अलावा आलोक महतो को कोयरी समाज से आते हैं, वो भी मंत्री बन सकते हैं। वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। समीर महासेठ भी मंत्री बन सकते हैं, जो वैश्य समाज से आते हैं, और सरबजीत दलित कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। उधर जेडीयू और आरजेडी नेताओं के समर्थकों का पटना पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार की नई सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा।